जनपद में बिजली चोरी रोकने और बिजली चोरी की कार्रवाई के साथ मुकदमे दर्ज कराने के लिए विद्युत कर्मियों को पुलिस थाने चौकियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विद्युत विभाग का खुद का अपना एंटी पावर थेफ्ट थाने का उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर देवेंद्र सिंह ने किया। एंटी पावर थेफ्ट थाना गोरखपुर जनपद का पहला थाना है जिसमें एक इंस्पेक्टर के साथ 5 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मौजूद रहेंगे जो बिजली चोरी से जुड़े मामलों की FIR दर्ज कर त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे। इस संबंध में मुख्य अभियंता देवेंद्र सिंह ने बताया कि अक्सर बिजली चोरी के मामलों को दर्ज कराने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में संबंधित थाने समय से पैरवी नहीं करते थे जिससे बिजली चोरों को राहत मिलती थी। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए शासन ने हर जिले में बिजली थाना खोलने का आदेश दिया है। इसी क्रम में आज हम लोगों ने अपने कार्यालय परिसर में बिजली थाने का उद्घाटन किया है। एंटी पावर थेफ्ट थाने के उद्घाटन कार्यक्रम में विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता देवेंद्र सिंह, ग्रामीण क्षेत्र के सहायक इंजीनियर ID त्रिपाठी सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता देवेंद्र सिंह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बिजली चोरी निरोधक थाने की आज स्थापना हुई है और भी कई जनपदों में स्थापित किए गए हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि एक तो बिजली विभाग को बिजली चोरी की रिपोर्ट लिखाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसके बाद मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचना में बहुत समय लगता था, तो शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि हर जिले में विद्युत चोरी निरोधक थाने खोले जाएँ जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ की पोस्टिंग की गई है। इस थाने में एक इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर और लगभग 15 सिपाही तैनात रहेंगे जो बिजली चोरी के खिलाफ लिखाए गए मुकदमों की विवेचना करेंगे और समय से चार्जशीट फाइल करेंगे।